नमस्ते साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बाल विकास परियोजना के तहत गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गर्भवती धात्री व बच्चों को पूरक पोषाहार मिल सके। परंतु जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के भवदेपुर पड़राम ग्राम सभा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व समूह अध्यक्ष और समुदाय के सामंजस्य नहीं बनने के कारण राशन वितरण में अनियमितता हो रही थी, जिस पर मैंने 6 महीना पहले वीडियो बनाए थे। वीडियो बनाने के बाद गांव में मीटिंग और स्क्रीनिंग किए, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मैडम जी को फोन किए, यारी के पास गए तो उनको वीडियो दिखाए। वीडियो दिखाने के बाद फोटो खींचने के लिए साफ मना कर दिए और मैडम जी कहीं कि हम आंगनबाड़ी और समूह को फोन करके पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं। पहले समस्या थी आंगनबाड़ी का राशन नहीं मिल रहा था, मिल रहा है अब। हेमा सहित लगभग 18 गर्भवती और धात्री महिलाओं को नियमित ड्राई राशन नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषक आहार की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। राशन नहीं मिलता है। कौन बच्चन का राशन? यह आंगनबाड़ी वाला, आंगनबाड़ी वाले कहते हैं जा पड़ राव भेजे थे मुंशीपुर, यही से ना ही बात देते हैं। प्रधान जी दिया हुए चाहे आंगनबाड़ी के सुपर जी, हमारा धान ऐसे हुआ कि मैडम जी हम सब के वीडियो बनाओ ले गए सरकार के सुपरवाइजर के देहू राशन हम लोग के अब मिले लगा। गांवपुर के सब खुश बहन, हम लोग बहुत खुश बहे। 18 लोग हमारे परिवार हैं, अब मिल रहा है राशन आंगनबाड़ी का, हम लोग के राशन मिलने लगा। हम ये कहते थे आपके संस्था आपके बहुत बहुत धन्यवाद, हर महीना मिलत है हम लोग के, अब खा पियत सब कोई बा सही बा, मिलत है राशन आंगनबाड़ी वाले देते हैं हम लोग के राशन अब मिले था, हम सब खुश बा। 6 महीना पर से 5 महीना पर से देते रहे, अब हर महीने मिले था हम सब बहुत खुश बाई, हमारे गांव लोग सब खुश बा। हम सबके आंगनबाड़ी के राशन ना मिले रहे, गए रहे बुलाए रहे देते ना, अब बराबर राशन मिल रहा है। हाँ बराबर, जिसे आप सब आओ मीटिंग करे लगो तो हम सबके राशन मिले लगा, हम सब अपन खाए पिए पड़े हैं। अधिकारी के पास ले गए मीटिंग बैठाओ, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिंट मीडिया को भी बुलाए और मीडिया का साथ ले करके हम वहाँ पे गए तो लोगों ने अपनी अपनी समस्या वहाँ पे रखी। सुपरवाइजर मैम ने कहा कि जो भी समस्याएं हैं हम उसको देखते हैं, संज्ञान में लेके हम उसको देखते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। प्रधान जी को फ़ोन किए, परियोजना अधिकारी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मैम को वहाँ पे उनको सूचित किए और फिर इस तरह से जो भी समस्याएं हैं हम उसका समाधान करते हैं। वीडियो में जैसा आपने देखा और सुना, काफ़ी प्रयासों के बाद इस समस्या पर बदलाव ला पाई हूँ। हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिला के उत्तर प्रदेश, इंडिया नहर से।